हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है वो कन्फ्यूज कर जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, यानी प्राइम नंबर का एवरेज आपको निकालना है 1 से 10 तक के बीच में। ठीक है, आगे देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज निकालना है। ठीक है, इसमें भी प्राइम नंबर का ही एवरेज निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। इसमें 1 से 10 तक अभाज्य संख्या बोल रहा है, मतलब 1 से 10 तक पहले आप नंबर लिख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे मान के चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आपका 10। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 नंबर लिख लिया है। ठीक है, और बोल क्या रहा है कि अभाज्य संख्या लेना है आपको बस। ठीक है, अभाज्य संख्या तो इसमें कौन कौन सा अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर यहाँ पे कौन कौन सा आपका, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है, 7 हो गया आपका। ठीक है, बस इतना ही है। तो आपको क्या करते हैं, जब भी हम लोग औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं, जितना प्राइम नंबर है सबको जोड़ देते हैं। तो कौन कौन सा प्राइम नंबर है आपका, 3 है, 2 है, प्लस 3 है, प्लस 5 है और प्लस 7 है। ठीक है, और डिवाइड में एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लीजिए AVG, शॉर्ट में एवरेज निकालने के लिए जितना नंबर होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 4 नंबर है तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, जो नॉर्मल नंबर रहता था उसका हम लोगों ने ट्रिक पढ़ा हुआ है, जो मिडिल टर्म होता है वही आंसर हो जाता है, लेकिन प्राइम नंबर का कोई भी ऐसा रूल नहीं है। ठीक है, इस पे अगर आप वो फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितना भी आता है यहाँ पे आप कैलकुलेट करके लिख दीजिए, कितना हो जाएगा ये, 5, 5, 10 और 5, 15, 16, 17, यानी 17/4, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 17/4 आया है तो इसका भी आंसर उतना ही आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा था कि 1 से 10 तक पहले संख्या लिखिए और उसके बीच में तक, देख रहे हैं यहाँ पे तक लिखा हुआ है ना, 1 से 10 तक अभाज्य संख्या, यानी 1 से 10 तक के बीच में। ठीक है, तो इसके बीच में कितना अभाज्य संख्या आ रहा था, 1, 2, 3, 4, 4 ही अभाज्य संख्या आया, तो यहाँ पे 4 ही को मैंने ऐड किया। लेकिन इसमें सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या आपको लेना है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे देखिए प्रथम 10 बोल रहा है, मतलब क्या लेंगे, पहला अभाज्य संख्या आपका क्या होगा, 2 होगा, दूसरा क्या होगा, 3, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ना तो 8 होगा, ना तो 9, ना तो 10, होगा क्या, 11, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, 13। ठीक है, तो ये कितना टोटल निकला अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही निकला अभी, तो 4 और आपको निकालना है। तो 14 तो होगा नहीं, 15 नहीं होगा, है ना, 16 भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 23। अब काउंट करिए कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हुआ है। ठीक है, तो 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, ठीक है, 28 भी नहीं होगा, होगा क्या, 29। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या आएगा, क्या आ गया आपका, प्रथम 10 अभाज्य संख्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्या आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या बोला था, 1 से 10 तक के बीच में। ठीक है, 10 के बीच में तो 4 ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि इसके बीच में। ठीक है, इसमें बोला बस प्रथम अब 10 अभाज्य संख्या, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या यही होगा, 2 से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या, 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 से स्टार्ट किया मैंने, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। तो एवरेज निकालने के लिए बोला, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, सबको प्लस कर देना है, जैसे 2 + 3 + 5, ठीक है, +7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम लोग, सिंपली 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, एवरेज। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भारत।